हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। बच्चों, इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बिल्कुल आप लोग चाहो जरूर गए होंगे, आप बोलेंगे कि सर अभी हम लोगों ने अध्याय एक जिसका नाम संबंध और फलन है उसकी केवल दो ही एक्सरसाइज कम्प्लीट की और आप कह रहे हैं कि अध्याय एक खत्म हो गया। तो बच्चों, आपको हम बता दें कि आपके लिए थोड़ी सी खुशी की बात है कि आपका जो सिलेबस है 30% रिड्यूस हो चुका है। हर सब्जेक्ट का, मैथ्स का भी चैप्टर रिड्यूस हो गया है। और संयोग की बात ऐसी है कि संबंध और फलन में जहां तक मैंने पढ़ाया है बस वहीं तक सिलेबस में रह गया है। उसके आगे के जितने भी पोर्शन थे, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन था जिसको द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, प्रतिलोम संबंध था हटा दिया गया है, फलनों का संयोजन था, लगभग सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आने लायक रहेंगे, हो सकता है थोड़ा सा फलनों का संयोजन आप लोगों से पूछा जाए, तो अभी तो चांसेस बहुत कम है। अभी डिटेल में हम काफ़ी अच्छे से उसको डिस्कस करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक वीडियो के माध्यम से आपको PDF बना करके देंगे, आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। तब तक के लिए अभी आप ये जान लीजिए कि बच्चों सेकेंड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें से भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन हम ये कहेंगे बच्चों जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ खास बहुत ज्यादा है ही नहीं, तो हटाया क्या जाएगा। हटाया क्या गया है थोड़ा सा हम आपको बता दें बच्चों। सबसे पहली चीज तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का जो आलेख, जो ग्राफ बनता है वो हटा दिया गया है। जैसे कि आप क्लास 11th में याद होगा तो मैंने आपको साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट सबका ग्राफ बनवाया था, मैंने त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ ड्रा करके हमने दिखाया था। तो जैसे बच्चों त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ बनता है, वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ भी बनाया जाता है। वैसे आप लोग क्लास में होंगे तो मैं उसको बनाऊंगा जरूर और दिखाऊंगा जरूर आप लोगों को, बट अभी हम लोग अपने सिलेबस पे पर्टिकुलर फोकस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा शायद हम लोग पीछे चल रहे हैं उस प्रीवियस ईयर की तुलना में। बाकी जो अभी यूपी बोर्ड की गाइडलाइन जारी हुई है उसके बेसिस पे हम लोग पीछे नहीं हैं। आपको हम सारी बातें लिखित रूप में और वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए अपने सेकेंड चैप्टर बच्चों जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते क्या हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के सर इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस पर्टिकुलर बात पर हमें यहाँ पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। आराम से धीरे धीरे मैं आपको चैप्टर के अंदर लेके चलूंगा, स्लोली कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग चलेंगे, आराम समझ चलना त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं बच्चों वो कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा आप लोगों ने पढ़ा बच्चों कॉसेक थीटा, इसका आपने पढ़ा सेक थीटा और इसका कॉट थीटा होता है। ये जो आपके सामने त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है। त्रिकोणमितीय फलन का मतलब, अच्छा फलन का मतलब क्या है, ऑलरेडी हम चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये फलन क्यों कहलाता है बच्चों, क्योंकि इसको हम ऐसे एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा साइन थीटा जो है बच्चों थीटा का फलन है और इस प्रकार के फलन को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट का यूज होता है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अगर आप लोग देखो, जैसे वो क्लास 10th की बात रही हो या क्लास 11th की बात रही हो, तब की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आप देखिए जब कभी भी किसी त्रिकोणमितीय फलन को आप हल करते थे तो जैसे कहीं कहीं आपने हल किया साइन थीटा बराबर आपको 1/2 मिल गया, कहीं आपने देखा साइन थीटा को हल किया बच्चों तो आपको 4/5 मिल गया, लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये भी नहीं देखा होगा कि साइन थीटा का मान जो है 5/4 मिल गया, ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, क्लास 10th में इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि साइन थीटा का मान 1 से अधिक हो सकता है, तो आपने कहा था नहीं हो सकता है। तो देखो बच्चों, यहां पर सुनिए ध्यान से, जब साइन थीटा बराबर, ध्यान देना हम जो है अब आपके लेवल पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखो, इसके पहले जब सिलेबस में से ग्राफ वगैरह नहीं हटा था तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करता था, लेकिन अभी मुझे टॉपिक टू टॉपिक चलना है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, वो एक बार सिलेबस कवर हो जाए फिर हम लोग करते रहेंगे, अभी टॉपिक टू टॉपिक चलना है। तो अभी मैं सिंपली आपको, देखो मैं प्रतिलोम फलन आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, वो हम पहले चैप्टर में कवर करते तो ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता, बट हमारा काम चलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के पास लेके चल रहे हैं। प्रतिलोम फलन क्या होता है वो तो हटा, वो तो सिलेबस में ही नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट पहुंचेंगे कहां, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर। देखिए क्या होता है बच्चों,
जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 लिखा गया, तो ये किसका मान है? साइन थीटा का मान है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा माने साइन थीटा किसका फलन है? थीटा का फलन है। तो माने यहाँ पर किसी कोण का साइन लिया गया, किसी कोण का क्या लिया गया? साइन लिया गया। इसका मतलब जब कभी भी हम इस तरीके से बच्चों साइन थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई रियल वैल्यू मिलती है, कोई रियल, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा वास्तविक होता है, इसका मान अपरिभाषित नहीं होता है। तो कोई भी एक्स यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिलता है? वास्तविक मान मिलता है। तो यहाँ पर जब साइन थीटा बराबर एक्स लिखा या एक्स बराबर साइन थीटा लिखा है बच्चों, तो ये हमारा जो एक्स है वो थीटा का फलन है, और कैसा फलन है? त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यूज होता है, जैसे यहाँ इधर थीटा लिख दिए, साइन को उधर लेके जाते हैं तो हो जाता है साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। और इसी प्रकार के फलन को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पे देखो इसमें क्या था, किसी भी कोण के साइन का मान निकाला गया था, किसी कोण के साइन का मान निकाला गया था, जबकि यहां पर हम किसी मान का साइन इनवर्स ले रहे हैं तो हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों जब कभी भी साइन थीटा लिखा हो, साइन थर्टी लिखा हो, तो आपके माइंड में ये फीलिंग आती है कि इसको सॉल्व करने पर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, मुझे कोई वास्तविक मान मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर बच्चों इस तरह का आपको दिखेगा साइन इनवर एक्स या साइन इनवर ऐसे थर्टी वगैरह दिखेगा, तो आपको सॉरी थर्टी नहीं साइन इनवर वन बाई टू टाइप का दिखेगा, तो आपके माइंड में यह बात होनी चाहिए कि यह एक एंगल है, यह एक कोण है। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्रतिलोम फलन के बारे में आप लोगों को बताता हूं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन डिफाइन है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन है। तो अभी ये डोमेन है और ये रेंज है, जब यह रेंज जो है ये डोमेन हो जाए और ये रेंज हो जाए, तो बस वही फंक्शन जो होता है बच्चों क्या कहलाता है? प्रतिलोम फलन कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक केस में देखें तो उसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। नहीं समझ में, और एग्जांपल बताते हैं। देखो जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस टू लिखा गया और x की वैल्यू बोलेगी बच्चों 1 2 3 तक ही आपको जाना है। ठीक है, फंक्शन बनाइए, यहाँ आप x की वैल्यू कितना रखोगे? 1 2 3, और यहाँ आपको जो मिलेगा 1 रखने बच्चों कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर 3, 2 रखने पे आपको 5 मिलेगा, और उसके बाद बच्चों 3 रखने पर 2 रखने पर बच्चों आपको 4 मिलेगा ना, 1 रखने पे 3 और 2 रखने पर 4, 3 रखने पर आपको 5 मिलेगा। तो इसका इससे रिलेशन बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप x का मान रखते हो, y का मान मिलता है, मतलब y x का फलन है, y किसका फलन है? x का। अब x का मान y के पदों में लिख दो तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? y माइनस टू हो जाएगा, y माइनस टू। अब यहाँ पर y वाला मान रखो, y का मान 3 रखो, x का मान 1 आएगा, y का मान 4 रखो, x का मान 2 आएगा, y का मान 5 रखो, x का मान 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, जो x y का मतलब जो y x का फलन था, यहाँ पर x y का फलन हो गया, और जो इसका डोमेन था वो इसकी रेंज हो गई, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो गई। इसी प्रकार के जो फंक्शन डिफाइन हो पाते हैं बच्चों, उन्हीं फंक्शन को सदैव कौन सा फंक्शन कहा जाएगा? इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा। इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने की एक सोची सी सिचुएशन होती है, अगर कोई फंक्शन बच्चों 1 1 नहीं है और 2 2 नहीं है, तो उसका कभी भी प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता है। क्यों सर? जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक संख्या लिख दे 7, ठीक है, अब चलो इसका आप फंक्शन कैसे बनाओगे? जब इनवर्स निकालोगे तो ये डोमेन हो जाएगा, तो डोमेन में एक अवयव बच जाएगा जो किसी का प्रतिलोम बनेगा ही नहीं, तो फंक्शन नहीं होगा। तो प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बता दी बच्चों कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना, इनवर्स निकालना तभी पॉसिबल है जब वो 1 1 और 2 2 हो, बट वो तो पुरानी बातें हो गई, मतलब सिलेबस से हट गया, लेकिन प्रतिलोम का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर वाई का मान एक्स पर निर्भर करता, उसको चेंज करके ऐसा लिखो कि एक्स का मान वाई पर निर्भर करने लगे, तो उसका प्रतिलोम हो गया और उसमें जो डोमेन थी वो रेंज हो जाएगी, और जो रेंज थी वो क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। क्लियर हो गई बात ना? तो बच्चों यहां पर हमने क्या किया, थीटा का मान x के पदों में लिख दिया, पहले x थीटा का फलन था, अब थीटा x का फलन है, ठीक है, बदल गया मान। तो यह प्रकार का जो फलन है उसको प्रतिलोम फलन कहते हैं, और त्रिकोणमिति के केस में बच्चों जो फलन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों आपके पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है, उसी प्रकार से आपके पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी होते हैं। सर कौन कौन से? पहला त्रिकोणमितीय फलन बच्चों होगा साइन इनवर एक्स, दूसरा होगा कॉस इनवर एक्स, तीसरा होगा बच्चों टैन इनवर एक्स, फिर होगा कॉसेक इनवर एक्स, फिर होगा बच्चों सेक इनवर एक्स,
और फिर होगा यहाँ पर cot इनवर्स x। बातें समझ में आ रही हैं? तो जिस तरीके से आप लोगों ने क्लास 10th और 11th में 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से अब बच्चों आप लोग क्लास 12th में 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ोगे। जिस तरीके से आपको याद होगा क्लास 9th और 10th में त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते थे, विभिन्न प्रकार के संबंधों के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसी तरीके से बच्चों यहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में भी डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को हम लोग डिराइव करेंगे, उन रिलेशन के बेसिस पे जो आइडेंटिटीज बनेंगी, जो फार्मूले बनेंगे, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अब शायद आपके माइंड में काफी हद तक यह क्लियर हो गया होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। चलो क्या होते हैं आपको कम भी समझ में आया तो कौन होते हैं आपको पता चल जाएगा, और इनको लिखते कैसे, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इस तरीके से आपके पास कुल मिलाकर के 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पूरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आप लोगों को? चलो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात एक छोटी सी इंपॉर्टेंट करते हैं, जैसे बच्चों लिखा है साइन इनवर एक्स, तो हम लोग मैथ स्टूडेंट हैं तो कुछ लोग इसको 1/sin x समझ लेते हैं। नो बेटा, साइन इनवर एक्स जो है उसको 1/sin x आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 1/sin x का जो मतलब होता है बच्चों हमेशा याद रखिएगा, उसका मतलब होता है sin x की पावर -1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यह एक नोटेशन है। अभी हम आपको दिखाएंगे प्रूफ करके कि हमारा साइन इनवर एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है। हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे बच्चों कि साइन इनवर एक्स जो होता है हमारा वो कॉसेक इनवर 1/x के बराबर होता है, कॉस इनवर एक्स जो होता है वो हमारा सेक इनवर 1/x के बराबर होता है। ये हम अभी आगे डिस्कस करके आप लोगों को समझाएंगे। तो बच्चों अभी तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि 6 प्रकार के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। आइए कुछ बातें यहाँ पर थोड़ी सी करते हैं और आगे। बच्चों मैंने यह भी आप लोगों को बोल दिया कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ना, आपको इस चैप्टर में कुल मिला के ही 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ना है और इनके बीच के डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन को डेराइव करना है, और उन्हीं डेराइव किए गए रिजल्ट का यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला रिलेशन डेराइव करके दिखाते हैं बच्चों, जिसको बोला जाता है प्रतिलोम संबंध। कौन संबंध? प्रतिलोम संबंध। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे बच्चों तो यही टॉपिक वहाँ पे लिखा गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण, गुड़ लिखा करके उसमें सब गुड़ खा लेते हैं आराम से, तो आप गुड़ मत खाइए, प्रतिलोम संबंध के बारे में समझिए कि प्रतिलोम संबंध होता है क्या, उल्टा संबंध। जैसे आपने सीखा ना साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये प्रतिलोम संबंध है, उल्टा संबंध है। इसी संबंध को हम लोग यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहला रिलेशन हम डिराइव करेंगे बच्चों कि साइन इनवर एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर 1/x के, ठीक है। आर और इसको लिख सकते हैं बच्चों कि कॉसेक इनवर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है साइन इनवर 1/x के, ओके ना। आइए इन दोनों रिजल्ट को हम आपको डिराइव करके दिखाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे बाकी सारे रिजल्ट को आप लोग खुद से डिराइव वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। लेट करते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों थीटा इक्वल टू बोलो साइन इनवर एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ले सकते हैं। अब बच्चों इस साइन थीटा को क्या आप 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस नॉलेज इतना है कि साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है बच्चों कि कॉसेक थीटा जो हमारा यहाँ से निकलेगा वो कितना मिलेगा, 1/x मिलेगा। देन थीटा इज इक्वल टू बच्चों हमको यहाँ से मिलेगा कॉसेक इनवर 1/x, ठीक है। दिस इज आवर रिलेशन नंबर सेकेंड। अब आप एक बार ध्यान दीजिए, रिलेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब बच्चों आप देखोगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल मिलेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण एक तथा दो से आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर क्या, साइन इनवर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर 1/x। फाइनली ये रिजल्ट मिला। आप कहोगे सर एक और लिखा है आपने कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर 1/x, इसको भी कर लीजिए। पुनः लिखिए बच्चों, क्या पुनः माना
माना कॉसेक थीटा इक्वल टू यक्स, दिस इंप्लाइड दैट थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर एक्स। क्या करना है अब तो आप लोग कुछ कुछ समझदार हो ही गए हैं कि कॉसेक थीटा को बच्चों हम क्या लिखेंगे, वन अपान साइन थीटा ही तो लिखेंगे ना, तो लिख दो यार इसको वन अपान साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, दिस मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपान एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर वन अपान एक्स, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। थोड़ा देखो तो भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को बच्चों अगर आप देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिख रहा है क्या, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड भी बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू गेट कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर वन अपान एक्स। देखिए प्रूफ हो गया, दोनों के दोनों रिजल्ट बच्चों प्रूफ हो गए, साइन इनवर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर एक्स वन अपान एक्स ये मिला है हमको, और बच्चों कॉसेक इनवर एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर वन अपान एक्स आपको यहाँ पर मिला। इसी तरीके से आप खुद से प्रूफ करेंगे कॉस इनवर एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर वन अपान एक्स और सेक इनवर एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर वन अपान एक्स प्रूफ कर लेंगे बच्चों। ऐसे ही आप प्रूफ करोगे टाइन इनवर एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर वन अपान एक्स या कॉट इनवर एक्स इज इक्वल टू टाइन इनवर वन अपान एक्स। तो अभी आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान के बारे में डिस्कस करके दिखाएंगे, जिसका यूज करके आप लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में बताया गया जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको खूब ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, समझने के बाद इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, और जो दो डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करने के लिए कहा है उसको आप करके मेरे पास पिक उसकी भेज दीजिए। तो ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सिलेबस भी आपका रिड्यूस हो गया है, खुशी काफ़ी मिली होगी, जाहिर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कितनी खुशी है आप लोगों को, देखते हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।